संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। पहले हम इसका संस्कृत में उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसका हिंदी अर्थ करेंगे। इसमें गणपति जी के 12 नामों के विषय में बताया गया है, जिनके सुनने मात्र से ही मनुष्य के ऊपर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो जो मनुष्य इन नामों को सुनता है तो उसे इसका क्या क्या फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच, प्रणमये शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मरे नित्य मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्धयं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभयो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकट नाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। आइए अब हम करते हैं इसका हिंदी अर्थ। नारद जी बोले, पार्वती नंदन देव देव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करें और फिर अपनी आयु कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़े मुख वाले, दूसरा एकदंत जिनका एक दांत है, तीसरा कृष्णपिंगाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के से मुख वाले, पांचवा लंबोदर, लंबोदर का अर्थ है बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात जो बहुत विकराल है, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात सभी विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, तथा आठवां धूम्रवर्ण धूसर वर्ण वाले, नवा भालचंद्र जिसके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, दसवां विनायक, ग्यारहवां गणपति और बारहवां गजानन। इन 12 नामों का जो पुरुष प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल तीनों संध्याओं में पाठ करता है, हे प्रभो, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। इस गणपति स्तोत्र का जप करे तो 6 मास में इच्छित फल प्राप्त हो जाता है तथा 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से नारद पुराण में लिखा गया संकट नाशन गणेश स्तोत्र पूर्ण होता है। गणेश जी हम सभी का सभी विघ्नों से सभी संकटों से रक्षा करें। जय श्री गणेशा।